हेलो फ्रेंड्स, आई एम अलका फ्रॉम स्टार्ट स्मार्ट ट्यूटोरियल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग क्लोज्ड पाथ इज जीरो। ये टॉपिक है प्लस टू क्लास के पोटेंशियल चैप्टर का। हम उसमें बार बार एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। और दूसरी बात हम वहाँ पे करते हैं कि क्लोज्ड पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जीरो हो जाता है। आज हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे। कोशिश करेंगे ये वीडियो छोटी से छोटी हो और जल्दी समाप्त हो जाए। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। उससे पहले आप जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट जाइए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ। तो देखिए, यहाँ पे ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, साथ में एक पिक्चर भी शो किया जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे अपना एक पॉइंट ओ ले लें और उसके ऊपर हमने अपना चार्ज प्लस क्यू लिया है, और वहाँ से ओ ए तक का डिस्टेंस अगर आर ए और ओ बी तक का डिस्टेंस आर बी है, सपोज करके चलते हैं आपके स्कूल में ए जो है इस पॉइंट पे आपकी क्लासरूम है और बी जो है वो आपका वाटर टैंक है। तो सपोज करके चलते हैं यहाँ पे कि आप ए से बी, दैट इज अपनी क्लास से वाटर टैंक तक का रास्ता पी वन पाथ अज्यूम करके लेके चल रहे हैं कि आप पी वन पाथ के थ्रू यहाँ से गए, और दूसरा रास्ता सपोज करते हैं कोई स्टेयर्स वाला है या कोई लेवल है, राइट। तो बी से ए तक का रास्ता जो है वो पी टू सपोज कर लिया, मतलब आप जिस रास्ते से आए हैं आप उस रास्ते से वापस नहीं गए हैं, घुमा कर गए हैं। तो कहता है इस पाथ, दैट इज द क्लोज पाथ ना, आप समझ रहे हैं कि ये जो पाथ है ये क्लोज्ड पाथ है। इस टाइम कहता है इस क्लोज्ड पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका इंटीग्रल जीरो होगा। देखते हैं किस तरह। देखिए, अगर मैं बात करूं अलोंग पाथ पी वन की, अलोंग पाथ पी वन में आप देख सकते हैं कि आप कहां से कहां गए हैं। पी वन इज ए से बी तक का रास्ता आपने चूज किया, दैट इज ए से बी तक का E डॉट डी एल इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/ आर ए माइनस 1/ आर बी। देखिए, इससे पहले आप एक चीज जान लीजिए, जिनको ये वाली इक्वेशन नहीं पता, मैं इसे अगली वीडियो में जरूर प्रूव करवा दूंगी। तो ये इक्वेशन होती है E डॉट डी एल इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/ आर ए माइनस 1/ आर बी। और अगर मैं बात करूं अलोंग पाथ P2 की, उसमें देखिए, सपोज कीजिए ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखिए, अब P2 जो पाथ है आपका वो कहाँ से है, देखिए B से A, दैट इज जो आप वाटर टैंक से अपनी क्लासरूम में वापस जा रहे हैं, मतलब जो आप रास्ते से आए थे आप वहां से वापस नहीं जा रहे हैं, तो आप किसी और रास्ते P2 से वापस जा रहे हैं, दैट इज आप ये B से A तक जा रहे हैं। E डॉट डी एल इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/ आर बी माइनस 1/ आर ए। अब कुछ नहीं करना, अब आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनका इंटीग्रल निकालना है। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, बिल्कुल सही, एड कर देंगे। तो हम अब एडिंग 1 and 2, तो देखिए क्या आ जाएगा, ए से बी तक का रास्ता, दैट इज पी वन पाथ आपका, ई डॉट डी एल प्लस बी से ए तक का रास्ता ई डॉट डी एल इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन क्यू कॉमन अंदर बचा आर ए माइनस आर बी प्लस 1/ आर बी माइनस आर ए। देखिए, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो आप बता सकते हैं यहाँ से कि दैट इज आपका ए से बी ई डॉट डी एल प्लस बी से ए ई डॉट डी एल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आप इस तरह से ये इक्वेशन प्रूव कर सकते हैं। दूसरा, आप देखिए अभी है तो सम ना, है तो वही वहीं तक का रास्ता, आपने जाना तो क्लासरूम से वाटर टैंक और वाटर टैंक से क्लासरूम तक ही है, तो आप इसका टोटल इंटीग्रल, दैट इज इंटीग्रल ई डॉट डी एल
क्या आ जाएगा आपका? जीरो। तो आप यहां से बता सकते हैं कि हेंस द लाइन इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द क्लोज पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम जरूर एक वीडियो वो इक्वेशन प्रूव करवाने के लिए बनाएंगे। थैंक यू।